ये एचपी का लैपटॉप है फ्रेंड्स। देखिए इसमें जो कि पावर कनेक्ट करते हैं, पावर कनेक्ट करने के बाद इसको जो है कि इस लैपटॉप को ऑन करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो है कि लैपटॉप है और एचपी का, और इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखिए इस टाइप का किस टाइप का बिहेव कर रहा है। ये जो है कि डिस्प्ले नहीं देगा फ्रेंड्स, नो डिस्प्ले का इशू है। और कैप्स लॉक जो है कि फ्रेंड्स ऑन ऑफ जो कि हो रहा है, 3 times ये कैप्स लॉक ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे फिक्स करेंगे आज इसके बारे में वीडियो पे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, और वीडियो पसंद आगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए ये वीडियो को आज जो है कि आप लोग को दिखाते हैं प्रॉब्लम को फिक्स करके। तो फ्रेंड्स पहले जो है कि इसका बैक पैनल को खोल देना होगा, क्योंकि एचपी के इस लैपटॉप में जो है कि बैक साइड में जो है कि उसका बैक पैनल में मतलब रैम रहता है। तो फ्रेंड्स उसका जो है कि उसके बाद जो रैम है फ्रेंड्स, रैम को निकाल के जो है कि उसको थोड़ा साफ करके फिर दोबारा लगा देना होगा, या स्लॉट जो है एक स्लॉट पर अगर लगा हुआ तो दूसरे स्लॉट में रैम को निकाल के लगा के देखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक बार जो है कि पावर को ऑन करके चेक करके देखते हैं कि जो मेरा कैप्स लॉक जो भी ऑन ऑफ 3 times जो हो रहा था उसका किस टाइप का बिहेव हो रहा है, ये अभी चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि मैंने पावर कनेक्ट कर दिया है। पावर कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसको जो कि ऑन का बटन भी दबा चुके, तो देखिए फ्रेंड्स जो है कि डिस्प्ले आ चुका है। 3 times का जो भी मतलब कैप्स लॉक ऑन ऑफ हो रहा था, ये आपका जो है कि रैम का प्रॉब्लम था। तो स्लॉट चेंज कर देने के बाद फ्रेंड्स जो है कि ये प्रॉब्लम आपका फिक्स हो गया। तो फ्रेंड्स कैसे लगे वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नया वीडियो साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।